हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है चूरोस की। चूरोस बेहद ही आसान स्नैक है जो घर पे आसानी से बनके तैयार हो जाता है और बच्चों को तो बेहद पसंद आता है। तो चलें बनाते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर ही करें। चूरोस तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने लेना है 1 कप मैदा। अब ये 1 कप जो मैदा है ना, इसमें से हम 1 टेबलस्पून मैदा अलग कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून सूजी। सूजी से हमारे जो चूरोस हैं वो बहुत अच्छे से क्रिस्पी तैयार होंगे। देखिए, माप की एक्यूरेसी रखने के लिए हमने 1 कप लिया था मैदा, उसमें से 1 टेबलस्पून निकाल लिया था मैदा, 1 टेबलस्पून हमने सूजी ऐड करी है। अब दोनों को अच्छे से मिक्स करके एक साइड रख देंगे। अब देखिए हमने क्या करना है, एक पैन लेना है और पैन के अंदर ऐड करना है 1 कप ही पानी, यानी जितनी हमने मैदा सूजी लिया उतना पानी ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून बटर, साथ ही में डाल देंगे हम 4 चम्मच चीनी, साथ ही में ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस। अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे हमें पकाना है जब तक कि हमारी चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती और पानी में एक अच्छा सा बॉईल नहीं आ जाता। ये देखें, हमारे पानी में बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, हमने जो मैदा और सूजी तैयार करी थी ना, उसको इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद हमने जो ये मैदा और सूजी है ना, इसको अच्छे से पानी के साथ मिक्स करना है। बेसिकली एक हमने डो तैयार करना है। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और डो की तरह हम इसे बनाते जाएंगे। पानी की और मैदा की क्वांटिटी इक्वल रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, तभी परफेक्ट डो बनके तैयार होगा। आप देखें, सारा जो मैदा है वो पानी के साथ मिक्स हो गया और एक परफेक्ट स्मूथ सा डो बनके तैयार हो गया है। ये देखें, हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट चिकना तैयार हुआ है। अब हम इस डो को लगभग 2 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। इसी बीच हम तैयार कर लेंगे हमारे चूरोस बनाने के लिए पाइपिंग बैग। ये देखिए, मैंने 2 पाइपिंग बैग लिए हैं, इनको एक दूसरे के अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पर हम इस तरीके की नोजल का इस्तेमाल करेंगे। आप स्टार नोजल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या जो भी नोजल आपके पास हो आप उसे चूरोस तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, हमने नोजल को पाइपिंग बैग में सेट कर दिया है। अब इस पाइपिंग बैग के अंदर हम 1/2 डो को इंसर्ट कर देंगे। जो हमने डो तैयार किया था ना, उसमें से अभी मैंने आधा लिया है और पाइपिंग बैग को फोल्ड करके तैयार कर लेंगे। अब देखें, इस तरीके की मैंने एक प्लेट ली है, हल्का सा फॉइल लगा सकते हैं और दबाते हुए हम इससे चूरोस तैयार करेंगे। आपको लंबे या छोटे जिस तरीके के तैयार करने आप कर सकते हैं। ये देखें, मैं इतने लंबे तैयार कर रही हूँ, आप चाहें तो छोटे भी बना सकते हैं। वैसे लगभग इतने लंबे जो चूरोस होते हैं वो तैयार किए जाते हैं, 5 से 6 इंच की इनकी लंबाई होती है। अब इसी तरीके से हम सारे चूरोस बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारे चूरोस तैयार है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने पैन में जो ऑयल है उसे गर्म कर लिया। मीडियम हॉट हमारा ऑयल हो चुका है। अब हम इसके अंदर एक एक करके चूरोस डाल देंगे। जितने आसानी से आ जाए उतने डालिएगा। अब बिल्कुल लो फ्लेम पर हम चूरोस को फ्राई करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, फ्लेम लो हो ताकि चूरोस अंदर तक अच्छे से सिक जाए। और इस स्टेज पर हम इन्हें बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। जब एक तरफ से गोल्डन हो जाएंगे तब पलटेंगे। अब इसी बीच हम तैयार कर लेंगे सिनेमन शुगर। उसके लिए देखिए, यहाँ पर मैंने चीनी ली है। चीनी के साथ हम ऐड कर देंगे 1 छोटी चम्मच के करीब सिनेमन शुगर और इनको एक बार पीस लेंगे हम मिक्सर जार के साथ। ये देखिए, हमारी सिनेमन शुगर तैयार है। अब देखिए, जो हमारे चूरोस हैं एक साइड से गोल्डन हो गए हैं। अब हम इनको सावधानी के साथ पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी गोल्डन करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर ही। लगभग 5 मिनट का समय लगता है चूरोस को अच्छे से गोल्डन होने में। ये देखें, हमारे जो चूरोस हैं वो गोल्डन होने शुरू हो गए हैं। देख रहे हैं ना कितना सुंदर कलर आया है। अब जो चूरोस हमारे फ्राई हो गए हैं उनको हम इस तरीके से एक टिश्यू पर निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम बाकी चूरोस को भी फ्राई करके तैयार करेंगे। ये देखें, हमारे सारे चूरोस तैयार हैं, बढ़िया से गोल्डन हो गए हैं और क्रिस्पी भी हो चुके हैं। अब ये जो चूरोस हैं अभी गर्म ही हैं। इन गर्म चूरोस के ऊपर हम ऐड कर देंगे हमारी सिनेमन शुगर। जितनी हमने शुगर तैयार करी है उसको हम ऐड कर देंगे। जब चूरोस गर्म होते हैं तो शुगर अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाएगी।
और इसी के साथ तैयार हैं हमारे सुपर डिलीशियस चूरोस। आप इसको कॉफी या चाय के साथ सर्व कीजिए, बहुत मजे के लगते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे आ रहा का लाइक बटन, उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।